औरंगाबाद का सब्जी मंडी लाचार है, खुद तो बीमार है ही, दूसरे को भी बीमार कर रहा है। ये मैं नहीं, यह सब्जी मंडी की लाचार व्यवस्था बता रही है। आप वीडियो में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि सब्जी मंडी कैसे बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। कीचड़ में सब्जी मंडी आखिर क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों सब्जी मंडी में साफ सफाई नहीं होती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीत योग न्यूज की टीम सब्जी मंडी पहुंची और ऑफ कैमरा सब्जी विक्रेताओं से बात किया। विक्रेताओं ने बताया कि हम लोग मंडी का टैक्स नगर परिषद को ससमय दे देते हैं। नगर परिषद के द्वारा साफ सफाई के कार्य में लापरवाही रहती है, जिसका नतीजा है कि सब्जी मंडी में गंदगी फैला हुआ रहता है। गंदगी का आलम यह बना हुआ है कि मंडी के बाहर लोग कीचड़ में ही सब्जी की दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। बगल में फेंकी हुई गंदगी को आवारा पशु खा रहे हैं, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। सब्जी मंडी के गंदगी से निकलने वाले बदबू से लोग अपनी मुंह और नाक ढक कर आगे बढ़ जाते हैं। यह हालात रमेश चौक से लेकर सब्जी मंडी के रास्ते जामा मस्जिद तक बना हुआ है। हालात बद से बदतर बना हुआ है। आइए जानते हैं सब्जी विक्रेता से कि उनकी इस हालत के पीछे लाचारी है या बेरोजगारी, क्या कारण है वह जानते हैं। सब्जी मंडी में इतना गंदगी है, आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण ये है, सफाई नहीं हो रहा है, नगर पालिका का ध्यान नहीं है, और क्या कारण है? सफाई होना चाहिए, गंदगी देख लीजिए कितना है। सफाई कौन करते हैं? नगर पालिका करता है। नगर पालिका सफाई नहीं हो रही है? सफाई नहीं हो रही है। कभी शिकायत किए नगर पालिका को? इतना बात जो से सफाई कर्मी को बोला है, साफ कचरा कचरा है, कोई चिंता नहीं। आप तो यहाँ पर बैठ कर बेच रहा बेरोजगारी या लाचारी? बेरोजगारी है भैया। कैसे भैया? यहीं पर बैठ के बेच के बाद बच्चों को कैसे जी जिला खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हैं कहीं पर कोई जगह नहीं है, कहाँ बैठ के बेचे हैं? इसी जगह पर बेचते हैं, कितना बरस से बेचते आ रहे हैं, 20-25 बरस से बेचते आ रहे हैं। वैसे तो सब्जी मंडी का हालात बद से बदतर हमेशा रहता है, लेकिन इस बार पहली बारिश ने ही सब्जी मंडी का पोल खोल कर रख दिया है। नगर परिषद के द्वारा साफ सफाई की जाती है या नहीं की जाती है, खानापूर्ति की जाती है, क्या किया जाता है, यह तो साफ तौर पर देखने में ही प्रतीत हो रहा है कि सब्जी मंडी में साफ सफाई ना के बराबर होती है। अगर सब्जी मंडी में साफ सफाई होती तो साफ तौर पर यह गंदगी सब्जी मंडी में नहीं दिखती।